हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस. आज के क्विक रिवीजन सीरीज के स्टैटिक पार्ट में हम अगेन मॉडर्न हिस्ट्री का एक छोटा सा कंपोनेंट उठाएंगे एंड वेरी क्विकली वील गो थ्रू इट. राइट, आज के कंपोनेंट में हम करेंगे कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज थी ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, उसके रिलेटेड क्या मेजर एक्ट्स थे जिन्होंने वेरियस काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स की. राइट, कौन सी इंपॉर्टेंट कमीशन बैठी थी एंड सो ऑन सो फोर्थ. राइट, चलिए. सो वेरी क्विकली विद द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज. अब पहली बार जब इंडियन सिविल सर्विसेज की अगर बात की जाए, तो जब आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनका रूल था इंडिया में, तो उनके टाइम पे जो इम्पोर्टेंट एक चीज है सबसे ज्यादा, कि आपकी पेट्रनेज जो ब्यूरोक्रेसी थी वो चल रही थी. पेट्रनेज ब्यूरोक्रेसी का क्या बेसिकली मतलब होता है, कि आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, राइट, वो आप जो EIC थे उनके जो खास जाने माने लोग थे वही जो थे ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा थे. एंड ये जो ब्यूरोक्रेसी थी, राइट, वाज लिंक्ड टू इट्स पेट्रन्स जो आपके EIC है. एंड बिकॉज ये ऑलमोस्ट एक स्पॉइल्स सिस्टम जैसी थी, राइट, स्पॉइल्स सिस्टम, राइट. फॉर एग्जांपल, अगर आप US में प्रेजिडेंसी जो आपका प्रेजिडेंट का सिस्टम है, राइट, एंड उनके उनके साथ जितने भी वेरियस मिनिस्टर्स आते हैं या वेरियस आपके जितने भी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती हैं जो प्रेजिडेंट को अपने साथ चाहिए होती हैं, राइट, बी एट डिफेंस से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं, ये सब कौन है, प्रेजिडेंट ही चुनता है. एंड दे आर सपोज टू बी मेम्बर्स ऑफ द कांग्रेस, राइट. तो फॉर एग्जाम्पल हम इसको स्पॉयल सिस्टम बोलते हैं, कि वो अपने किसी भी पसंदीदा इंसान को जिनको ठीक समझते उनको ले सकते हैं. इसी तरह का एक पेट्रनेज ब्यूरोक्रेसी भी जो था वो इस्टेब्लिश कर दिया गया था बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. और यही चीज जो है आपके इंडिया एक्ट ऑफ 1784 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में आगे चलाई जा रही थी. अब बिकॉज ऑफ द आइडिया ऑफ पेट्रनेज ब्यूरोक्रेसी, बहुत रैम्पेंट करप्शन था, तो आपका जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1770 था, उसके रेगुलेटिंग एक्ट में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन था जहां पे उन्होंने बोला था कि आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो आपके वेरियस ब्यूरोक्रेट्स है, उन्होंने ब्राइबरीज में इंडल्ज नहीं करना है. एक ये बहुत इंपॉर्टेंट, उन्होंने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज डाल दिया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में. हाउएवर, डिस्पाइट दिस ऑल्सो एक जो रैम्पेंट करप्शन थी वो नहीं रुक पा रही थी. फाइनली आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं, और लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, राइट. इन्होंने पहली बार कोविनेंटेड एंड नॉन कोविनेंटेड सिविल सर्वेंट्स में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है वो क्रिएट किया. तो इन्होंने बोल दिया कि एक होगी आपकी सिविल गवर्नेंस की ब्रांच, राइट, जो आपकी पॉलिटिकल ब्रांच है वो आपकी जो नॉर्मल गवर्नेंस है उससे रिलेटेड होगी, और एक कमर्शियल ब्रांच होगी जो कि जितने भी कमर्शियल एक्टिविटीज है ऑफ EIC उससे रिलेटेड होगी, राइट. सो कोविनेंटेड जो है ऑब्वियसली पॉलिटिकल ब्रांच होगी, इनका एक अग्रीमेंट होगा विद द स्टेट, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द कोविनेंटेड सर्विसेज. एंड जो नॉन कोविनेंटेड होगी उनका ऐसे कोई अग्रीमेंट नहीं होगा, वो फॉर कमर्शियल पर्पसेज यूज की जाएंगी, ठीक है. लॉर्ड वेल्सली ने आके 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज जो है इस्टेब्लिश किया कैलकटा में, और यहाँ पे जो यंग सिविल सर्वेंट्स आते थे ब्रिटेन से, राइट, उनको ट्रेन किया जाता था, उनको अक्वेंट किया जाता था कि इंडियन कल्चर, इंडियन लैंग्वेजेस, इंडियन वे ऑफ लाइफ जो है वो कैसा है, ताकि वो बेटर परफॉर्म कर सके, राइट. हाउएवर देयर वर सर्टेन प्रॉब्लम्स जो की हुई, एंड इसके कारण ये कॉलेज वॉज शट डाउन, एंड इंस्टेड अब उन्होंने इंग्लैंड के अंदर ही एक कॉलेज इस्टेब्लिश कर दिया विच वॉज कॉल्ड हेलीबरी, क्योंकि हेलीबरी के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था. चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो था, अब इसके अंदर भी ए सिविल सर्विसेज को लेके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थी. इन्होंने पहली बार इस चार्टर एक्ट में प्रॉमिस किया कि एज विद रिगार्ड टू पावर्स इन द ब्यूरोक्रेसी एक्सेट्रा, इंडियंस को इक्वालिटी जो है वो दी जाएगी. साथ ही साथ में इन्होंने कॉम्पिटिशन फॉर रिक्रूटमेंट इंट्रोड्यूस करा दिया. बट इवन द कॉम्पिटिशन था, ये कॉम्पिटिशन सिर्फ उन कैंडिडेट्स में था जो कि नॉमिनेट किए जाते थे बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, राइट. फाइनली आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1853 था जिसने पहली बार ये ओपन कॉम्पिटिशन की बात की टू एंटर द सिविल सर्विसेज. आपकी मकौले कमिटी जो थी, राइट, मकौले कमिटी ने पहली बार द आइडिया ऑफ मॉडर्न सिविल सर्विस जो है आगे रखा इन 1854. एंड इन्होंने बोला कि जो पेट्रनेज बेस्ड सिस्टम है EIC का, जो पेट्रनेज ब्यूरोक्रेसी है, उसको आप बंद कर दीजिए एंड इसको रिप्लेस कर दीजिए बाय अ परमानेंट सिविल सर्विसेज जो कि मेरिट बेस्ड सिस्टम होगा, जिसकी एंट्री कैसे होगी, कंपेटिटिव एग्जामिनेशन से. तो जैसे कि आज हमारी UPSC में होती है कि मेरिट बेस्ड सिस्टम है, ओपन एंट्री एग्जामिनेशन है, जो भी क्वालिफाई करता है वो इसका हिस्सा बन जाता है, राइट.
जो नॉमिनेशन सिस्टम था फाइनली अबॉलिश कर दिया गया 1855 में बाय द पार्लियामेंट इन इंग्लैंड. एंड ये शुरू ये डिसाइड किया गया कि अब जो इंडक्शन है वो जो अगर आपने भर्ती होना है सिविल सर्विसेज में तो एक ओपन कंपटीशन होगा अमंग ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट्स. मतलब जितनी भी इनकी ब्रिटिशर्स के अंदर जितनी भी उनकी कॉलोनीज है वो सारे ही ब्रिटिश सब्जेक्ट्स है, राइट. सो जितने भी ब्रिटिश सब्जेक्ट्स है सबके अंदर ओपन कॉम्पिटिशन होगा और कोई भी डिस्टिंक्शन ऑफ रेस जो है नहीं होनी चाहिए. ये मकॉले कमिटी की जो थी आपकी इंट्रोडक्शन थी, आपकी रिकमेंडेशन थी. ऑब्वियसली ये सारी रिकमेंडेशन अप्लाई नहीं की गई, बट एक जो चीज हुई हेलेबरी कॉलेज जो था उसको अबॉलिश कर दिया गया 1858 में. एंड रिक्रूटमेंट फाइनली जो थी अब एक सिविल सर्विस कमीशन द्वारा होती थी जो कि एग्जाम कराते थे, बट ये एग्जाम कहाँ होता था, सिर्फ इंग्लैंड में होता था. और इससे कोविनेंटेड जो आपके सिविल सर्विसेज है आप उसके अंदर एंटर करते थे. 1859 में जो आपकी मैक्सिमम एज थी उसको रिड्यूस कर दिया गया 22 में. एंड एक कंपल्सरी कर दिया गया कि आपका अगर एंट्री हो जाती है तो एक साल की आपको प्रोबेशन करनी है कहां पे, इंग्लैंड में. तो जितने सिलेक्टेड मेंबर्स है सबको ये प्रोबेशन करनी होगी, राइट. 1866 में एज और रिड्यूस कर दी गई, पहले 21 साल और फिर 1878 में 19 साल. सत्येंद्रनाथ टैगोर जो थे वो पहले इंडियन थे टू एंटर द इंडियन सिविल सर्विसेज, बट हाउएवर वो अपनी प्रोबेशन जो एक साल की जो मैंडेटरी थी वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे, राइट. सो दैट्स व्हाई ही कुडंट रियली जॉइन इट. 1869 में फाइनली तीन इंडियंस, दैट इज सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आरसी दत्त एंड बिहारी लाल गुप्ता, दे वर सिलेक्टेड टू बी द पार्ट ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज. 1870 में एक स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज करके इंट्रोड्यूस किया गया जहां पे कई इंडियंस जो कि एक अच्छे बैकग्राउंड से आते थे, राइट. सो इफ दे कम फ्रॉम सर्टेन प्रिंसली हाउसहोल्ड्स और हाउसहोल्ड्स जो कि रिच लैंडलॉर्ड एक्सेट्रा के हैं, राइट, जो कि काफी अक्वेंटेड थे विद द ब्रिटिश ऑफिसर्स, राइट, ऐसे लोग जो थे उनको नॉमिनेट किया जा सकता था टू द कोविनेंटेड सिविल सर्विसेज. 1886 में आपके लॉर्ड डफरिन ने एक एचिसन कमीशन जो है वो बिठाई, विच वॉज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर चार्ल्स अम्फर्स्टन एचिसन, ठीक है. और इस कमीशन का मेन मोटिव क्या था कि इंडियंस जो है उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके इस पब्लिक सर्विस में. इसकी जो मेन रिकमेंडेशन थी, पहली चीज इन्होंने मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री जो है उसको रेकमेंड किया बढ़ा दो टू 23 ईयर्स. साथ ही में इन्होंने थ्री टीयर क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस की करने को रेकमेंड किया. एक होगी आपकी इंपीरियल सर्विसेज, ठीक है, नेक्स्ट आपकी प्रोविंशियल, तो इंपीरियल जैसे कि अभी आपके आईएएस एक्सेट्रा, आपकी जो ऑल इंडिया सर्विसेज सेंट्रल सर्विसेज है वो, राइट, जो प्रोविंशियल सर्विसेज है जैसे कि आपके स्टेट सर्विसेज होती हैं वो, एंड सबॉर्डिनेट सर्विसेज बेसिकली आपकी क्लरिकल स्टाफ एक्सेट्रा, राइट. इन्होंने बोला कि जो स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज है, राइट, स्टैट्यूटरी जो 1870 में जो इंट्रोड्यूस की गई थी जहां से नॉमिनेशन से आते थे आप उसको अबॉलिश कर दो, एंड कई सीट्स जो है इंपीरियल की वो आप प्रोविंसेस तो फिल इन करो. तो फाइनली इस कमिटी की जो रिकमेंडेशंस है उनको 1892 में फाइनली एक्सेप्ट करके कुछ रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट कर दी गई एंड स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विसेज जो था वो रिफॉर्म कर दिया गया. अब स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस आपकी अबॉलिश हो गई, जो तीन कैटेगरीज आपने बनाने को कहा था इंपीरियल प्रोविंशियल एंड सबॉर्डिनेट वो भी इंट्रोड्यूस कर दी गई. इंपीरियल सर्विसेज का जो एग्जाम होता था अब वो कहां होना था, वो एग्जाम होता था लंदन में, और जो बाकी दोनों एग्जाम थे वो कंडक्ट होते थे इंडिया में, राइट. और जो मैक्सिमम एज थी वो भी इंक्रीज कर दी गई किसके लिए, 23 के, राइट. चलिए अब इस लिंकटन कमीशन आई, जो इस लिंकटन कमीशन थी उसने 1912 में एस्टैब्लिश हुई, राइट, विच वॉज द रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज जो इसका फॉर्मल नाम था, राइट. जो उसके मेंबर्स थे, जो पहली चीज तो ऑब्वियसली जो आपके चेयर थे वो दैट वाज लॉर्ड इसलिंगटन, बाकी मेंबर्स इंक्लूडेड रैमसे मैकडोनल्ड जिन्होंने मैकडोनल्ड अवार्ड जो आपके बने, राइट, साथ ही में सर रॉलिन से, वैलेंटीन चिरोल, अगेन वैलेंटीन चिरोल जो थे इन्होंने लाला लाजपत राय को बोला था कि आप फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट हैं, राइट. आगे चल के जी गोखले एंड सर अब्दुल रहीम, राइट. सो वी ऑल्सो हैड टू इंडियन लीडर्स, टू मॉडरेट लीडर्स जो कि आपके इस लिंकटन कमीशन का हिस्सा थे, राइट. इनकी जो रिकमेंडेशंस थी वो 1915 में आई. इन्होंने बोला कि सर्विसेज जो है फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको एक क्लास वन एंड क्लास टू में कर दीजिए डिवाइड. 25% ऑफ जो सुपीरियर फोर्स है उनको इंडियंस से आपको रिक्रूट करना पड़ेगा. साथ ही में प्रोबेशनरी पीरियड होगा 2 साल का फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स. साथ में ही जो रिक्रूटमेंट होगी सुपीरियर पोस्ट की, राइट, वो पार्टली इंडिया में की जाएगी एंड पार्टली इंग्लैंड में की जाएगी.
फिर जो आपके मिंटैगो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आई राइट, उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया इन प्रिंसिपल, तो 1919 की जो आपकी मिंटैगो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट थी उन्होंने इन प्रिंसिपल डिमांड एक्सेप्ट की कि ज्यादा इंडियनाइजेशन की जरूरत है इन द हायर सिविल सर्विसेज जो आपकी इंपीरियल सर्विसेज थी, ठीक है, एंड इसी के लिए उन्होंने प्रोविजन जो है आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इंक्लूड कर दिया, राइट. इन्होंने इंपीरियल सर्विसेज को जैसे कि आज एग्जिस्ट करती है ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज में डिवाइड कर दिया, एंड उन्होंने बोला एटलीस्ट 1.5% ऑफ द टोटल जो है वो इंडियन से रिक्रूट किया जाएगा एंड ये जो है इंक्रीज की जाएगी year by year. Finally, जैसे माना जाता है 1941 में the Indians had outnumbered the British as far as your civil services were concerned. 1922 onwards, आपका जो ICS का exam है वो अब इंडिया में hold किया जाने लगा and पहला जो exam था ये finally अलाहाबाद में हुआ था 1922 में, right? इसके बाद आपकी Royal Commission of Superior Civil Service जो है वो आई under the chairmanship of Lord Lee. एंड ये जो कमीशन थी इन्होंने 1924 में अपनी एक रिपोर्ट दी एंड ये जो रिपोर्ट थी इन्होंने बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो रेकमेंड की थी वॉज द सेटिंग अप ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट. एंड ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन था दिस वॉज फाइनली सेट अप ऑन 1st अक्टूबर 1926 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर रॉस बार्कर, राइट. इसी रॉयल कमीशन की कुछ अदर रिकमेंडेशन वर ऑल्सो इंक्लूडेड. फॉर एग्जाम्पल इंपीरियल सर्विसेज में अब फाइनली ओपन कर दिया गया था कि जो प्रोविंशियल सर्विसेज में है दे कैन ऑल्सो एंटर द इंपीरियल सर्विसेज वाया प्रमोशन. डायरेक्ट एंट्री फॉर इंडियंस ऑल्सो इन इंपीरियल सर्विसेज नॉट जस्ट प्रोविंशियल एंड सबॉर्डिनेट वंस इन अ फेज्ड मैनर ग्रेजुअली. एंड ऑल इंडियन क्लास वन जो आपकी सेंट्रल सर्विसेज है उनको सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज करार कर दिया गया इन 1924. 1934 में एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया जो थी उसके अंदर 7 ऑल इंडिया सर्विसेज थी एंड 5 सेंट्रल डिपार्टमेंट थे. सब जो थे जो आपके सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे उनके कंट्रोल के अंडर, राइट. एंड 3 जो सेंट्रल डिपार्टमेंट थे वो अंडर जॉइंट प्रोविंशियल एंड इंपीरियल कंट्रोल थे. आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 इट फाइनली प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच प्रोविंस जैसे कि आज हमारा एग्जिस्ट करता है, राइट, जो कि आपके स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स कराते हैं, राइट. सो दिस इज आपका जो प्रायर टू इंडिपेंडेंस जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी विद रिगार्ड टू इंडियन सिविल सर्विसेज वेरियस रिफॉर्म्स एटसेट्रा, राइट. होप इट्स ऑफ हेल्प टू यू. प्लीज कीप राइटिंग योर टेस्ट्स, राइट. एंड इफ यू फील द नीड वी ऑल्सो हैव अ क्रैश कोर्स गोइंग ऑन एंड यू आर वेलकम टू ज्वाइन इट एज वेल, राइट. थैंक यू.